वर्षों के प्रयास से आज भारत के पास कई श्रेणियों के उपग्रह प्रक्षेपण यान उपलब्ध हैं। ये हल्के, मध्यम तथा अधिकतम 4 टन वजनी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम हैं। GSLV Mark II उनमें से एक है और इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग होता है। GSLV F-11 इस यान की 7वीं उड़ान है। ये 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान 51 मीटर लंबा है और इसकी लिफ्ट ऑफ मास यानी कि उड़ान के समय का वजन लगभग 421 टन है। इसमें जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 2 टन वर्ग के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता है। GSLV Mark II के पहले चरण में S-139 ठोस ईंधन वाली मोटर और 4 L-40 तरल स्ट्रैप ऑन होते हैं। ये चरण 20 मीटर लंबा है और इसमें 139 टन ठोस ईंधन होता है। हर एक स्ट्रैप ऑन मोटर 19 मीटर लंबी होती है और इसमें 42 टन धरती पर आम तापमान में संग्रहित हो सकने वाला तरल ईंधन होता है। दूसरे चरण में 12 मीटर लंबा अधिक बलशाली विकास तरल इंजन है। यान का तीसरा चरण लगभग 9.8 मीटर लंबा है और उसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये इंजन अत्यधिक ठंडी तरल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तीसरे चरण के ऊपर 3.4 मीटर व्यास वाला पेलोड फेयरिंग होता है जिसमें उपग्रह को रखा जाता है। इस F-11 उड़ान के लिए GSLV Mark II यान में कई संशोधित प्रणालियों का उपयोग किया गया है। अधिक बलशाली विकास इंजन, इसकी क्षमता और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे। इस मिशन में ये यान 2250 किलोग्राम वजन वाला GSAT-7A संचार उपग्रह जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करेगा। ये उपग्रह इसरो की प्रमाणित I-2K बस पर आधारित है। इसमें कक्षा को उन्नत करने एवं कक्षा में बनाए रखने के लिए 2 रसायन उपयोग करने वाली ईंधन प्रणाली है। इसके 4 सौर ऊर्जा पैनल लगभग 3.3 किलोवाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। GSAT-7A उपग्रह को अपने साथ लिए GSLV F-11 SDSC शार से उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये उपग्रह आने वाले कई वर्षों तक देश को विभिन्न संचार सेवाएं प्रदान करेगा।